सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू देता हूँ, दिल से एकदम हार्दिक बधाई आप लोगों को, मेरी टीम को देता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग बहुत चाहते थे आप लोगों से मिलना एक्चुअली, क्योंकि फिल्म से पहले हम लोग ऐसी ऐसी बात जो थे जो नहीं कर पाए थे। और मिस्टर बच्चन का ये हम लोगों से जब डिस्कशन हो रहा था मार्केटिंग में, हम लोग चाह रहे थे कि बहुत जगह जाएं और मिलें और प्रमोशन जो नॉर्मली होता है, सो हमने डिसाइड किया था कि इसमें हम जाएंगे नहीं, फिल्म देखने के बाद सबको बुलाएंगे और फिर शायद हम लोगों को बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये फिल्म थ्रिलर है और उसके बारे में हम पहले नहीं बात कर सकते। सो सबसे पहले मैं आप जितने भी मीडिया के लोग हैं और क्रिटिक्स हैं, रिव्यू हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, सबको मैं मेरे पिंक टीम की तरफ से आई जस्ट वॉन्ट टू रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इस तरह से इस फिल्म को जो तोला है, इस फिल्म को जो अपने सर पे रखा है, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा है किसी अनप्रेसिडेंटेड। इतना प्यार, मतलब जस्ट ओनिंग अप अ फिल्म एज देयर ओन फिल्म, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ रिएक्शंस, मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। थैंक यू इसके लिए। ये हमारी पूरी टीम है, मैं इंट्रोड्यूस क्या करूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको आपने देखा नहीं है, मैं पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने इस फिल्म में, जो मेरे हीरो हैं इस फिल्म के, और मेरे हर फिल्म के हीरो जो है मेरे राइटर होते हैं, उनका नाम है रितेश शाह, अगर आप जानते हैं। मेरे डायरेक्टर फ्रॉम कोलकाता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और ऐसे लोग जिनको शायद आप नहीं देखेंगे, सामने कभी नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी वजह, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी जितनी फिल्में की हैं और पिंक में जो भी काम किया है, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं जोगी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हॉल से निकल के सब एक ही आदमी एक ही के लिए पहले सबसे पहले पूछते हैं कि वो SHO जो महिला जो पुलिस ऑफिसर थी वो कौन थी, वो हैं हमारी ममता, वो हमारी कास्टिंग डिपार्टमेंट की हैं। हमको लगा कोई नहीं मिला, चलो तुम कर लो यार, तो ऐसा हुआ था इनकी कास्टिंग। और एक चीज जिसके लेके सब पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये पोएट्री किसने लिख दी है कि तू खोज में निकल, उनका नाम है वन ऑफ द फेमस नोन अपने लिटरेचर सेक्टर में बराबर जो काम करते हैं, उनका नाम है तनवीर गाजी। मैं इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो काम किया है, मेरे इस फिल्म का जो है, सब लोग बोलते हैं फिल्म बनती कहाँ है, फाइनली फिल्म जो बनती है वो एडिटिंग टेबल में जाके बनती है। एंड मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे एडिटर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई, एंड मैं कितना प्रिविलेज्ड एंड ऑनर हूँ कि इस आदमी के साथ मैंने काम किया। उनका नाम है बुद्धदित्य, फर्स्ट हिंदी फिल्म फ्रॉम कोलकाता। और बाकी सब लोग जानते हैं, शांतनु, रॉनी मेरे प्रोड्यूसर हैं, रश्मि हैं, और मैं बाकी लोगों का क्या बताऊँ। मैं आपसे एक चीज़ बस बोलूँगा, आई नो आप लोगों के पास बहुत सवाल हैं, आप मिस्टर बच्चन को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर इस तरह से एक अच्छी फिल्म, एक कंटेंट वाली जो फिल्म, जिसको आप लोग टर्म दे दिया है कंटेंट वाली फिल्म, पता नहीं ये टर्म क्यों दे दिया है, फिल्म तो कंटेंट ही होता है, इसमें क्या नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता है, आपने इस तरह से ही उसको आप लोग सहारे, इस तरह से ही उसको अपनाएं, और ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कभी कभी जिस फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी भी हो जाती है, उसकी बदनामी कभी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्टिमिज्म रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग इसको साथ रहेंगे। और एक चीज़, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मालूम है ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, वॉट एवर, मैं एक सवाल बोलूँगा, आप लोग नहीं पूछे, स्पेशली मेरे से नहीं पूछे और मेरे टीम से नहीं पूछे तो मैं थैंकफुल रहूँगा। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के बारे में मत पूछिएगा प्लीज़, ये फिल्म मेरे लिए बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाया था मैंने, अगर बॉक्स ऑफिस के लिए बनाया होता तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता। तो आप प्लीज़ इस फिल्म की कितनी आमदनी हुई, क्या हुई, हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तो नहीं है एटलीस्ट। मेरे लिए सक्सेसफुल अगर इस फिल्म का है, ये 3 दिन में इसलिए मिल रहे हैं, इस फिल्म का सक्सेस मेरे लिए वो है कि जब एक लड़की रात को 8 बजे अकेले अपने हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए घर पहुंच जाएगी अकेले, बिना किसी हिचक के, बिना किसी चिंता के, वो मेरे लिए सक्सेसफुल है। सो तो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज उस बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं रियली मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, बट अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहूंगा कि मिस्टर बच्चन कुछ बोल, मैं उनको देता हूँ। सर
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का. सारी बातें जो है वो सुजीत ने कह दी हैं. ये जो प्रथा है जहाँ हमको लगा कि हमें आप लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, ये मेरी पिछली फिल्म आई थी 3, उस समय हमने इसकी शुरुआत की. कई बार ऐसा होता है कि फिल्म हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले उसके प्रमोशंस में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आशा होती है कि आप लोग उसका प्रमोशन करेंगे. लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो आप हमें भूल जाते हैं, हमें आपको भूल जाते हैं. मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म रिलीज़ होने के बाद अगर आप लोगों के मन के अंदर कोई ऐसे प्रश्न हो, कोई ऐसी डिबेट करने की विषय हो, तो हमें फिर से आपके सामने आना चाहिए. और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो है नहीं. कई बार ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, जो आपके मन में रह जाती है, कभी बाहर नहीं आ पाती है. आप लोग पत्रकार हैं, आप अपने माध्यमों से उसे व्यक्त कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग भी कहना चाहते हैं फिल्म की रिलीज़ के बाद, और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे. हो सकता है कि इससे शायद आगे कुछ लोगों का कल्याण हो सके. तो यही वजह थी कि आप लोगों को यहाँ बुलाया. हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है वो अद्भुत रही है. कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कभी भी पहले कभी कोई संपर्क ही नहीं था, उनसे उनके मैसेजेस आते हैं, उनसे बातचीत होती है. और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस विषय से, जिस आशा से हमने इस फिल्म को बनाया था वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है. बाकी सब यहाँ पर कलाकार हैं, ये भी आपके सामने उपस्थित हैं. हम तो चाहेंगे कि आप लोग हमसे प्रश्न पूछें और हम आपका उसका उत्तर दें, बहस करें. बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी जो न बातें अच्छी हो वो भी बोलिए, जो भी आपके मन में हो उसे बोलिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करें. जस्ट एक चीज़, मैं एक जन को और थैंक यू देना चाहता हूँ जो पहली बार अपनी डेब्यू कर रही हैं हिंदी फिल्म में और हमसे आके जुड़ी हैं. वो है बहुत ही फेमस टेलीविजन की प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा. उन्होंने एकदम मतलब खुले दिल से मेरे को फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ. बट मैं चाहता हूँ कि लेट्स ओपन द फोरम एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस एंड देन जो जो होता रहेगा बताते रहेंगे. पूछ लीजिए अगर कुछ. अमित जी, मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने. जी सर, सवाल ये है कि ऐसे कई फ्राइडे आए होंगे आपके पूरे करियर में अभी तक, और ये फ्राइडे कितना खास था? इस बार जिस तरीके से फिल्म को हर एक वर्ग ने सराहा है, तो ये शुक्रवार कैसा रहा आपके लिए? जी यही मैं कह रहा था कि इस बार कुछ अजीब से वाक्या हुए और समझ में नहीं आया कि उनके साथ हम लोग जूझें कैसे, कैसे उसको स्वीकारा जाए. कोई यार हमारी टांग तो नहीं खींच रहा है, कोई ज़बरदस्ती तंज तो नहीं कर रहा है, ऐसा कई बार होता है. हम लोगों का जीवन ऐसा ही है, हम लोगों को जब ज़्यादा तारीफ कोई कर देता है तो लगता है यार शायद कुछ गड़बड़ हो गया हमसे. तो यही हमारी फीलिंग्स थी. लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को वो कहते गए, मानते गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सचमुच ये जो प्रशंसा है ये एक सच्चाई है, दिल को छू गई है, बहुत अच्छा लगा. एंड मैं कैप्टन ऑफ द शिप से भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है अनिरुद्ध साहब आपने. ये जिस तरीके से आपकी फिल्म को सराहा जा रहा है, इसे कैसे ले रहे हैं आप? आई एम ओवरवेल्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड दिस फिल्म इज फॉर ऑल द वुमेन एंड मेन हु गॉट ह्यूमिलेटेड फॉर द पास्ट यू नो फ्यू डिकेड्स एंड आई थैंक सुजीत टू होल्ड माई हैंड एंड to help me to do this. I am choking and I thank all my collaborators, all my actors, everybody, my music director, editor, everybody, my cinematographer, the way they helped me, they were beside me, it's like a family. And this is a very personal venture for us, this is not a commercial venture. And I thank Mr. Amitabh Bachchan to say this word, no means no. And this is enough, and this is end of everything. Yeah, absolutely. Sabko bata do, Tapsee ji bhi aa rahi hai, to just she is coming in a few moments. Yeah. Hello, Bachchan sir. Right, main aapke yahan pe. Dhiren Mishra, Bollywood Nazar se.
सर जब आपके पास पिंक की कहानी आई तो उस दौरान आप कितने कॉन्फिडेंस थे और आपको कितना भरोसा था कि फिल्म इस तरह से कामयाब होगी, लोग इतने सराहेंगे उस फिल्म को? कामयाबी हमने कभी सोची नहीं थी, मुझे लगा। और जैसे कि कई बार हमने अपने इससे पहले जितने भी हमारा परिचय हुआ पत्रकारों से, हमने उनसे यही कहा कि जब सुजीत ये एक सोच लाए हमारे पास, वो विषय ही मेरे लिए प्रबल था। दो तीन मिनट में हमने कहा हाँ इस विषय पे हम काम करेंगे। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रोल क्या होगा, कहानी कैसी होगी, कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसका निर्देशन करेगा। केवल वो सोच जो थी वो अच्छी थी। ख़ास तौर से ये कि कई सालों से जब से थोड़ी सी ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है अभी भी, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कभी इसको दोबारा नहीं सोचा इसके बारे में। मुझे लगा कि यही सत्य है, यही सच्चाई है जीवन की। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, हमें ऐसा ही एक ऐसे ही माहौल में हमें रखा गया, हमारी शिक्षा भी ऐसी ही हुई। और जब कभी भी इस विषय के ऊपर हम बातचीत या चर्चा होती थी तो मुझे अजीब सा लगता था। फिर जब एकाध कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जिसमें मैंने इस विषय पर बात की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे मेरे साथ जो कि मैं एक जो टीवी शो कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत से ऐसे हॉट सीट पर महिलाएं आती थी जिनके जीवन को उनके बारे में सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता था, एक कई बार क्रोध भी होता था। और जब मैंने उसका वर्णन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने मुझे कहा कि आप गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर बन जाइए। तो उसके संदर्भ में भी जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि इस विषय के ऊपर इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए। सुजीत सर, आपसे भी सवाल है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने, बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन और भी हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने महिलाओं को लेकर फिल्म बनाई है, लड़कियों को लेकर फिल्म बनाई है, और भी सारे मुद्दे हैं, तो आगे चल के क्या उस पर फिल्म बनाएंगे? देखिए, मुद्दा सोच के तो फिल्म मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे तो कहानी कहनी होती है। यस, अगर कहानी में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है। सबसे पहले जब ये टोनी ने ये सोचा था कि बंगला फिल्म बनाएंगे और एक छोटी सी लाइन थी इस कहानी की, तो हम दोनों, मैं और रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत दिन बैठे रहे इस आइडिया पर। फिर बहुत दिन बाद हमने सोचा कि नहीं, इस पर एक फिल्म बनना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे वाइफ के साथ, जब उन्होंने कहा कि कुछ मुझे कहा एक दिन कि ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ कि ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के और उन्होंने कहा कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है। सो वो मुझे दिल में बहुत चोट लगी, मुझे इंसल्ट फील हुआ मेरे वाइफ के सामने, मेरे को एज अ मैन आई एम स्टैंडिंग देयर, बहुत गिल्ट हुआ मुझे। और मैंने मन में उसमें सोचा था कि मैं रॉनी को बोला कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। फिर और हम सबके पास ही, ऐसा तो नहीं है हम मर्द ऐसे कहीं भगवान ने हमको फेंक दिया, ये लो मर्द तुम जाओ हिंदुस्तान पहुँच जाओ या अर्थ में पहुँच जाओ। हम सब कहाँ से निकले हैं जो सर बोलते हैं, हम कहाँ, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं यार, कहीं ना कहीं दिल में तो चोट लगता ही है। अब ये कोई इशू नहीं है कि हम आसपास रोज देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई नया सा कुछ आइडिया आया होगा, ये आप लोग भी रोज देखते हो, आपके मन में भी आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा शायद, आप भी शायद आपके साथ में कोई लड़की ऑफिस में काम करती है उसको अगर कोई इस नज़र से देख लें तो कैसे लगेगा आपको। तो हमको भी वैसी फीलिंग हुई, बनाऊंगा किसी अगर कोई इशू जुड़ जाएगा किसी कहानी के साथ। मेरा काम था ऑडियंस को 2 घंटे बिठा के रखना, आजकल वही बड़ा बहुत बड़ा काम है कि 2 घंटे किसी को बिठा दो हॉल के अंदर। सो आई थिंक हमने वो बिठा भी दिया, उन्हें रुला भी दिया और सोचने में मजबूर कर दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सर, दिस इज आदिक अहमद फारूकी फ्रॉम मिस्टर सिनेप्लेक्स कलर्स। आई वांट टू आस्क यू सर, सबसे पहले तो आप सबको सैल्यूट कि आपने फिल्म अटेम्प्ट की। ये फिल्म औरतों के बारे में उतनी नहीं है जितना मर्दों और मर्दानगी के बारे में है। सर, आप 70s और 80s और 90s के भी दशक, जी सर, के दशक में आप पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर मर्द मर्दानगी की पहली और आखिरी मिसाल होते थे। आपके पहन कपड़े पहनने का तरीका इंडिया के मर्द फॉलो करते थे, बात करने का तरीका, सब कुछ। 2000 के बाद आपकी इमेज में बहुत खूबसूरत चेंज आया और आप इक्वलिस्ट, फेमिनिस्ट और वेमेंस इशूज, चाइल्ड इशूज, सब इशूज़ पर बहुत वोकल होकर बोलने लगे। आप में ये बदलाव हमने हिंदुस्तानियों में भी एक बदलाव के तौर पर देखा।
आप एग्जांपल्स के साथ बता सकते हैं सर कि हिंदी सिनेमा हिंदुस्तानियों के सोचने का तरीका किस तरह बदलता है? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपसे। जब भी सत्तर के दशक में फिल्में बनती थी तो जो मर्द होता था, जिसे कि आप कह रहे हैं, वो लड़ता किसके लिए था? वो अपनी हीरोइन के लिए लड़ता था। तो ऐसा कहना कि हम सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, ये शायद इतना उचित नहीं होगा। हमेशा जितना भी हीरो था वो अपनी हीरोइन के लिए ही लड़ता था। पोएटिक जस्टिस वहीं पर आता था। वो विलन को मारेगा, अच्छाई को सफलता मिलेगी, बुराई के ऊपर जीत होगी। तो ये सारी बातें तब से चली आ रही हैं। हाँ, हो सकता है कि जैसा आप कह रही हैं, बहुत सारे मुद्दे बदल गए हैं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, होना भी चाहिए। जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे जैसे दशक बदलते गए, आदतें बदलती गईं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिंबित करती हैं हमारे सिनेमा में। हमने केवल एक दर्पण आपके सामने रखा है और हमने कहा कि इसे देखिए, हो सके अगर इसमें आपकी शक्ल दिख जाए तो उसे परिवर्तित कीजिए, उसे बदलिए, या जैसा कि हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। I am Suresh Mehta from USA, say, Big B E F family, Gopi Seth and Bollywood Web TV, Bollywood TV की तरफ से आपको मैं कहाँ हैं आप भाई साहब? बहुत-बहुत बधाई देता हूँ सर। आप केवल की आपकी केवल एक लाइट दिख रही है। हाँ, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आपको सर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ गोपी सेठ की तरफ से और Big B E F family की तरफ से। धन्यवाद। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस रोल को करने में आपको कितना कष्ट हुआ? कष्ट तो हमें हर रोल करने में होता है और हम तो यही मानते हैं कि जब भी हम किसी रोल को एक्सेप्ट करते हैं या मान्यता देते हैं तो उसमें जितना कुछ हमें कहा जाता है करने को या जिस तरह से उसका किरदार बनाया जाता है उसको पूरी तरह हम लोग निभा सकें, ये हमारे लिए एक ध्येय होता है। लेखक ने लिखा, निर्माता निर्देशक ने उसका विश्लेषण किया, हमको समझाया सिखाया, कैमरा के सामने हमें डाल दिया, हमने अपना काम शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो हमें सही दिशा दिखाते थे, तो अंत में हमने वही किया जो हमको बताया गया करने को। कष्ट तो हमें प्रत्येक फिल्म में होता है। रात को नींद नहीं आती, कल सुबह कैसा होगा, कैमरा के सामने जा कर के कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन इस मूवी के मैसेज से आप कितने सहमत हैं, कितने परसेंट सहमत हैं? जी, मैंने कई बार कहा है कि जो कुछ भी मैंने इस फिल्म में एक संवाद के तौर पर कहा है वो यदि मैं ये फिल्म में काम न करता होता तो भी मैं अपने निजी जीवन में ऐसा ही सोचता, ऐसा ही बोलता। जी बच्चन साहब, और एक सेकंड सर, आपके यूएस बिग बी ई एफ फैमिली के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए क्योंकि ये लाइव। धन्यवाद, बस इतना ही होगा। ओके, बाकी सब आप ब्लॉग पे आ जाइएगा। जी बच्चन साहब, रूना बीबीसी से। जी जी सर, अच्छा लग रहा है आपकी पूरी टीम को। आप बैठ जाइए, ऐसी कोई नहीं। एक बात होती है, जब भी कोई एक वाकया होता है, वो अच्छा हो बुरा हो, हर उम्र में उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब आज आप 70 के सावन को देख रहे हैं या 73-74 इस उम्र के दरमियान है, क्या आप अपने उम्र वाले, हम उम्र वाले लोगों से कुछ अपील करेंगे कि शायद वो भी आपके साथ वाले लोगों के साथ जुड़ कर इस वाकयों को या ऐसे वाकयों को चेंज करने में कुछ मदद करें? मेरा ऐसा मानना है कि जितना कुछ भी हमने अभी सुना है, जिस तरह से हमारे पास लोगों ने पत्र भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जनता जो है वो हमेशा होशियार रहती है। जनता जनार्दन है और वो समझ गई है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हमने इस फिल्म में कोई भी प्रचार नहीं किया, ना ही हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमने केवल, जैसा कि मैंने कहा, एक शीशा आपके सामने रख दिया है और जनता बहुत ही होशियार है। देश की जनता जो है वो देश चलाती है, उन सब ने ये समझ लिया है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और अपने आप में वो कहीं ना कहीं एक विरोध है उनके मन में, कहीं से कहीं एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है जो कि हमें लग रहा है कि एक जैसा मूवमेंट शुरू हो गया है। बहुत से लोग आए हैं हमारे पास जिन्होंने स्वयं कहा है कि मैंने एक फिल्म बनाई थी बागबान,
और बागबान बनाने के बाद एक किस्सा हुआ जो कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। बागबान देखने के बाद एक शख्स ने जो कि लंदन में रह रहा है अपने परिवार से, भारतीय है, इमिग्रेंट है, अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा है, उसका फ़ोन आया डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास रात को 2 बजे। उसने कहा, सर मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी आपकी फिल्म बागबान देख करके निकला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि मेरे परिवार में मुझे मेरे पिताश्री से झगड़ा हो गया। मैं 25 साल से उनको मिला नहीं हूँ, देखा नहीं, हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं। मैंने अभी अभी आपकी फिल्म देखी है और मैं अभी अभी जा रहा हूँ अपने पिता के घर पहली दफ़ा 25 साल के बाद और जा करके उनसे बोलूँगा आई एम सॉरी। इस तरह की भावना जो है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म पिंक के बाद बहुत से लोग इस विचार को सोचेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जो कुछ भी हमने इसे ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं की, केवल जैसे कि मैंने कहा है एक दर्पण दिखाया है, उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे। और अभी दिल्ली में हम लोगों ने बहुत से ऐसे शोज़ रखे जहाँ पर बहुत ही विख्यात लोगों ने इसे देखा, लॉयर्स ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, राजनीतिज्ञों ने देखा, सबके मुँह से एक ही आवाज़ निकली कि यार ये हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। अमिताभ सर, सर ऑन योर लेफ्ट, सॉरी ऑन योर राइट, सॉरी, इधर इधर। हाय सर, उन्नति फ्रॉम मिड्डे। थैंक यू सर। अमित सर एंड सुजीत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मूवी। सर अमिताभ सर, आपसे क्वेश्चन था, आपने इस मूवी के बाद अपनी नव्या को एक लेटर लिखा था सर, सो आज की पीढ़ी के हिसाब से आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर इस एक कलाकार एक मूवी करने के बाद उसका एक इम्पैक्ट होता है उस कलाकार पे, so we believe sir that if you say something to the coming generation, I think it would make a big difference. So yeah, I think that there were a lot of questions asked as to why you wrote that letter and whether this was a farce or a deliberate promotional technique. You can look at it whichever way, but let us tell you how we actually arrived at that. While we were promoting the film, there were many interviews that we did, that we were doing, and each interview, all of you, some of you are here, were wanting to know what is Pink, what is this film about, and we were unable to describe the content of the story without disclosing the story, and because it is a thriller we were unable to describe what Pink was and what it meant. Shujit said that, you know, why don't we take the essence of the film and put it in a form of a letter, and why don't you write it to your granddaughters? It'll be a nice gesture, and it'll be something that we will be able to convey to the audience without revealing the letter. So what you saw in the letter was actually the essence of Pink, and I think that is what went out. Yes, it worked as a good promotional device, but then, you know, promotional activity is a very wide term, and we can have a discussion on that if you like today, but it's a very wide term. I mean, even let's not get into that. But yes, the letter was emotional. It was, I felt that it addressed all daughters, all granddaughters. And I had such an immediate reaction from my own daughter and my own granddaughter the moment that letter went down, even though they were out of the country. And I got such an immediate reaction, which normally yes, we talk to each other almost every other day, but this was so immediate that it conveyed to me that कहीं ना कहीं ये बात उनके घर कर गई। मेरी पोती ने जो कि अब न्यूयॉर्क में पढ़ रही है, वो 18 वर्ष की, उन्होंने इमीजिएटली मुझे फ़ोन करके कहा कि नाना आपने जो लिखा है, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल फॉलो एग्जैक्टली दिस। एंड माय डॉटर हु सेड दैट यू नो आई हैव बीन ट्राइंग टू टीच नव्या ऑल दिस फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग हर ऑल दिस एंड जस्ट थ्रू वन लेटर यू हैव कन्वेड what I had wanted to do for so many years. So I think that it had an immediate impact, and I hope that many other granddaughters and daughters will follow. Sorry, I just want to aap bibi se aapka jo ek reaction aapne bola tha kya effect karega, main aapko just bata dun. Yesterday I got a call from on Twitter itself from somebody that ek baap ne phone kiya tha ki aur unki just abhi bachchi hui hai, ek beta hua hai, 4 दिन का है, तो वो फिल्म देख के आया था। उसने कहा कि मैं
जैसे ही मेरा बेटा बड़ा होगा ये मैं फिल्म रख दूंगा, और जैसे ही बड़ा होगा कि 10 साल का 8 साल का 11 साल का मैं उसको ये फिल्म दिखाऊंगा। तो इस तरह के रिएक्शन इस तरह से रिएक्शन रहा है। मैं और एक चीज बता दूं, कहा कि 2 साल की बच्ची है मेरी और अभी मैं जैसे ही ये बड़ी होगी मैं ये फिल्म उसको अलग रखा कर और आपके इस पत्र को अलग रखूंगा कि तब वो बड़ी होगी तो मैं उसे। एक 18 साल की लड़की जो हॉल से बाहर निकली मेरा हाथ पकड़ के बहुत देर से, वो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोई और फिर बोली कि मैं आज घर जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप, ऐसी कोई लड़की दिल्ली में थे, मैं अपने माँ बाप को डाइनिंग टेबल में बैठाऊंगी और मैं इधर बैठूंगी कि माँ और बाबा आपने जो मुझे बोला है ना कि प्रोटेस्ट मत करना और सर नीचे करके निकल जाना अगर वहाँ, मैं बोलूँगा आपने मुझे गलत सिखाया है, मैं नहीं सर झुक के नहीं जाऊँगी, मैं सीधा सर उठा के जाऊँगी, मुझे कोई मत रोके चाहिए उसके लिए। I have a question for the actors who played Inspector Sarla in the movie. Oh yeah, yeah, yeah. He's oh my God, she's not my character. Her name is Mandar. I'm here to your left. I loved your performance in the film. I want to know about the face-off that you had with Mr. Bachchan. It was very interesting to watch. We loved it. कुछ उसके बारे में कुछ anecdotes बताएंगे तो अच्छा रहेगा। Sorry sir. Yeah, Mr. Bachchan के साथ वो court में scene कैसा रहा तेरा? अजमाइन सर. Hi, yeah. Sir, can you just repeat your question? Yeah, I just wanted to know about the face-off that you had with Mr. Bachchan in the witness box. It was very interesting watch in the movie. So, कुछ anecdotes shooting के दरमियान क्या 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 हुआ कुछ बताएं? जी जी, हमारा lunch break हुआ था उस दौरान और सुजीत सर ने कहा कि इसके बाद आपका scene करेंगे तो I was very nervous. मुझे लगा कि ओ माई गॉड, और मैंने खाना इस तरीके से खाया कि मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने खाना खाया था उस दिन और मैं बहुत नर्वस थी, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे और मैं फटाक से, सबने कहा लंच कर लेते, मैंने कहा हो गया हो गया हो गया और फिर मैं स्क्रिप्ट उठा के रट रही थी उसको बहुत अच्छे से। उसके बाद बच्चन सर आए और उसके बाद उन्होंने रिहर्स करना स्टार्ट किया तो सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया वहाँ पे कि मुझे ना लगा ही नहीं कि मैं मिस्टर बच्चन के साथ काम कर रही हूँ। इतना झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं है। इतना पानी बनाए चली जा रही है। मैं उस ऑरा में थी कि ओ माय गॉड, अगर मैंने फंबल किया तो सर मुझे ऐसा लुक देंगे और मैं तो वहीं पे पानी पानी हो जाऊंगी डर के मारे। सो इतना ईज कर दिया, मेरी लाइंस ना यूं निकल के आ रही थी फटाक फटाक से, बहुत बहुत ईज। थैंक यू सो मच सर, मैं शायद मुझे प्लेटफॉर्म दोबारा मिले ना मिले बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया। रितेश जी ने इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे थे जब हम लोग कर रहे थे ना तो पता नहीं था वो इतना हिलेरियस होगा, वो जो वहाँ पे क्लैपिंग बज रही है ये हम सीन शूट करते वक्त तो बिल्कुल नहीं लगा था। ये जरूर लगा था कि बहुत अच्छा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है कि जो सरला प्रेमचंद है उसका रियल फेस नजर आ रहा है और ऐसा अक्सर होता है दिल्ली में मैं ब्रॉट अप हुई हूँ तो इस तरह की चीज़ें यू नो हर कोई फेस करता है शायद अपने लेवल पर। थैंक यू अमित सर, अ क्वेश्चन टू यू। Of the many opinions that we have been seeing on social media, one opinion that really attracted a lot of criticism was an opinion of former Supreme Court Justice Markandeya Karjo. He said that Amitabh may be a good actor, but he has nothing in his head. He doesn't have any solutions to the problems of this country. Yeah, yeah. So how do you react to such? That is Mr. Justice Markandeya Karjo. Yeah, he's right. You know, I really don't have anything inside my head. So, but do you think it is the prerogative of an actor to offer solutions to the problems of the country? No, we can be part of what is going on, and we work towards it. But he's right, my head is class. Sir, वो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं। लगेगा नहीं आपको, boys high school इलाहाबाद। एक ही स्कूल में थे हम। सर तो कोई पुरानी rivalry है जो वो? नहीं कोई rivalry नहीं sir, rivalry. उनके सामने तो हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वो जस्टिस है सर। सर वो जूनियर थे या सीनियर थे? नहीं नहीं सीनियर थे हमारे। VHS या अमित सर एक सवाल था, अमित फ्रॉम अमर उजाला डॉट कॉम। कहाँ हैं आप भाई साहब? हाँ जी सर, जो ऐसे शहर जैसे दिल्ली है या फिर वेस्टर्न यूपी है, एक माइक दे दो भैया, एक माइक दे दो सर। जो
दिल्ली जैसे शहर हैं या फिर ऐसे शहर जहाँ पर अचानक से पैसा आया लोगों के पास, वहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो क्या मतलब ये एक वजह थी कि इस फिल्म का लोकेल दिल्ली में रखा गया? ये सुजीत ज़्यादा असर कर पाएंगे। वैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि दिल्ली में होता है इसलिए वहाँ, हर शहर में आजकल कहीं ना कहीं घटनाएँ हमें सुनने को मिलती है, चाहे वो कलकत्ते में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में होते हैं कभी कभी, ये एक पूरे देश में हो रही है और हमारे लिए चिंता का विषय है। सर स्टैटिक्स हैं कि देखिए कोलकाता या फिर मुंबई जैसे इलाके हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जैसा बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों ने बाहर से, मुझे स्वीडन से किसी ने बोला था कि ये फिल्म स्वीडन में दिखाना चाहिए, तो मेरे को समझ में स्वीडन में बोलते स्वीडन में इससे ज़्यादा है प्रॉब्लम, तो मेरे को लगा ही नहीं कि यूरोप जैसे कंट्री में हो सकता है। लेकिन आपका जवाब देने के लिए, ये पहले जब अनिरुद्ध रॉय चौधरी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फिल्म बनाना चाहिए और ये एक वन लाइन स्टोरी थी जो हम हिंदी बंगला में बनाना चाह रहे थे, सो मैं और जैसे मैंने कहा रोनी बहुत दिन बैठे रहे और फिर हमने सोचा कि नहीं यार टोनी इस फिल्म को हिंदी में बनाएंगे, नेशनल लेवल पे बनाएंगे हिंदी, बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज़ अ मच मोर फाउडर रीच। सो तभी रितेश जो हैं वो भी दिल्ली से हैं, रह चुके हैं दिल्ली में, थिएटर कर चुके हैं, आज है तो श्रीनगर से, तो वो भी दिल्ली से, तो मैंने अनिरुद्ध को बोला चिंता मत करो मैं दिल्ली से हूँ, मैं 20 साल रहा हूँ दिल्ली में और मेरे आंखों के सामने ऐसी घटना हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। सो अगर आप बोलेंगे कि मैंने और रितेश ने ऐसी घटना नहीं देखी है तो मैं बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करूँगा कि हमने देखी है हमारे सामने। हमने इतने सारे केसेस निकाले, अच्छा आपको बता देते हैं, हमने कोलकाता से वन प्राइम केसेस निकाला है, हमने दिल्ली से हमने प्राइम केसेस निकाले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो आज कटघरे में हुआ है और रितेश भी जानता है, इधर मैं बैठे हैं, मैंने सर को आके बताया था, सर अश्विन सर, बिकॉज सर क्वेश्चंस ऑन एवरीथिंग ऑन द स्क्रिप्ट और मेरे को जवाब रेडी रखना पड़ता है। सो मैंने उनको बोला सर ये देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो कोर्ट में हुए हैं एग्जैक्टली यही हुआ है, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट हुआ है। लोकेल जो है, आप मेरे फिल्म में पहले भी फिल्में हुई हैं विकी डोनर और पीकू, उसमें भी आपने बहुत हिलेरियस सा दिल्ली देखा होगा, लेकिन इसमें एक दूसरा एक डार्क साइड ऑफ दिल्ली देखा है। लोकेशन जो है फिल्म में ना ऐसे नहीं होता है कि चलो यार यहाँ जाके शूट कर देते हैं, नहीं होता है। मेरे फिल्म में लोकेशन जो है एक कैरेक्टर होता है, तो इस फिल्म में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, आप दिल्ली को इस फिल्म से बाहर नहीं कर सकते, वो भी हिस्सा है इस पार्ट का। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो बहुत जगह से निकल आएंगे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तमिलनाडु से फ़ोन आ रहे हैं दोस्त, तमिलनाडु से फ़ोन आ रहा है, कोलकाता से फ़ोन आ रहा है कि उनको भी यही प्रॉब्लम होती है, मतलब शीशे जो है उतरने लगते हैं, स्लो हो जाता है गाड़ी। और सर जो ऐसे वाक्य हैं और मतलब रेपिस्ट के लिए उनके लिए हम जो है फांसी की सजा मुकर्रर करके ऐसी प्रॉब्लम्स को मतलब लगाम लगा सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स पे? आप वैसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, सबसे he's saying about the rape law, about hanging. See, that's the law of the land. We are nobody to decide on the law of the land. We are here to reflect what the society has shown us and what we see around the society. But let the... Yeah, just one. I'll just give Shantanu. So I am not here to dictate, give any dictate on that. जब rape की स्थिति होती है वो दिखता है, ये problem तो भयंकर है, ये तो visual rape होता है। मैं दिल्ली का हूँ, बस में ऊपर से नीचे तक घूरते हैं, उसका तो देयर कैन नॉट बी एनी लॉ, इट इज व्हाट वी हैव टू चेंज विद इन आवरसेल्व्स, आई थिंक दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट कैपिटल पनिशमेंट, कि ऐसे लोगों को हैंग किया जाए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एंड देयर ऑल्सो देयर हैव बीन टू और थ्री ओपिनियंस अबाउट कैपिटल पनिशमेंट। मेनी से दैट so and so murdered somebody, he should be hanged, and then there is a whole process of law that takes place, and say after 2 years, 3 years, 5 years, 6 years, the final judgment comes, yes, hang him to death. The argument that was given at that time, and this is not my argument, it's just something that you know I keep reading, is that you are replicating for the murderer what he did to the victim. He killed, therefore he must die. And the argument that they made is very strange. They said the person who was killed immediately on the spot, perhaps without knowing. The person who's going to be killed or going to be hanged is living in fear, I don't know when I'm going to be hanged and when I'm going to be killed. Is that more serious or is this more serious? It's a huge question mark. Because that person who's in jail
who doesn't know what his fate is going to be, is living in fear every second ki aaj meri mrityu hogi ya kal hogi ya 4 saal baad hogi. So they feel that that is equally serious as far as capital punishment is concerned. And there's a huge debate going on in this. Yeah, there's a world debate going on in this. Lekin sir, aapka point of view kya hai? Kya matlab hona chahiye capital punishment aise cases? Kya kanoon to bani raha hai. Aur bahut se kanoon ban gaye hain. Aur kai jagah unka durupyog bhi hota hai. Bahut se logon ka aisa kehna tha ki sir ye jo mahilaon ke liye to aapne kar diya hai, mardon ke liye nahi kiya. Aur wo kehte hain ki sir कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो है क्योंकि उनको मालूम है कि कानून इस तरह का है वो जानबूझकर किसी मर्द को फंसा देती है सर इसने मुझे मोलेस्ट किया अब आप उसको प्रूव करते जाए तब तक वो तो अंदर हो गया बट दैट केस वाज दैट मैटर वाज वेरी क्या भैया ये क्या है नहीं इसकी जरूरत नहीं है उसकी भी एक छोटा सा मेंशन है हमारे शुरुआत में जब प्रोसिक्यूशन के लॉयर पीयूष मिश्रा जी आर्ग्यू करते हैं तो इसी बात को उठाते हैं यू नो लॉज ऐसे बन गए हैं वेयर वुमेन आर मिसयूजिंग दिस लॉ अगेंस्ट मैन एंड देयर हैव बीन एक्चुअली आई डोंट माइंड स्टेटिंग इट देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव कम एंड सेड कि सम ऑफ देयर फ्रेंड्स आर एक्चुअली इन जेल बिकॉज द वुमन हैज मिसयूज्ड दिस लॉ अगेंस्ट देम जस्ट बिकॉज दे यू नो दे वांट एबल टू कंप्लाई इफ आई कैन पुट इट माइल्डली टू व्हाट द लेडी वाज वांटिंग and therefore he's in jail now. So it's working in reverse also. Very few cases, and they can be fought in court and all that. But yes, that is also happening. And that mention was made by the prosecution, Piyush Mishra, in the film, in the beginning of his argument. His opening argument was that. Opening argument was that. Hello, sir. Yeah, yes. Hello. One second, just give him a mic. I want to, firstly, congratulations. It was one of the best films ever made in India. Outstanding in the world. I really don't know whom to praise more, the writer or the writers or the director or the actors. I think, and by actors, I mean right from Bachchan Saab to the person who had one single scene. I think nothing is wrong in the film. I want to know two things from the writers. This scene where Bachchan Saab asks Meenal, are you a virgin? Are you a virgin? Did you all think that you all would get the answer as no? 10 years back, probably, if this film was made, the heroine would have been shown to be a Murat of virtues. I have not let a boy touch me and all. So to take this step and therefore alienate probably the 40 or 50 plus audience, shayad they are such orthodox audience, they may say, agar aisi ladki hai, to phir to iska aisa hi hona chahiye. There is a chance. Did you all deliberate on that? Or it was the first thought and therefore you all went with it? And secondly, whose idea was it to show the entire drama jo hotel room mein hua, right in the end titles? I think the person who has thought of this, there can be no more intelligent person in Bollywood. It is a masterstroke. It is a masterstroke. I don't know how anybody can think that just jo crux hai film ka, wo main last rolling titles mein dikhaunga. That also proves your genius because nobody gets up from the chair. Because that is, arey ye humne dekha. You know that kind of a thing. So that I got the answer. And that the previous question, that virgin part, was it too much of a hassle to come to the conclusion? Brilliant question, sir. Thank you so much for asking this. We have been asking for this kind of a debate rather than anything else. We really want to talk about it. It drained out writing that scene. Well, virgin in my films, I mean, sorry, Ritesh and Tony on that, has also existed in Piku also. A father tells a probable groom that my daughter is not a virgin. Do you want to still marry her? He asks directly, as direct can if a father can. So, no, it's that question has never that, you know, it's going to humiliate somebody or this. Have you ever known or have you heard anywhere that a man has been asked, are you a virgin? We have never done that. Never. I just want to add this because this is what we discussed earlier on. Every time we ask a question to the woman, are you a virgin? It's a question mark. Every time we call it to a man, it's an exclamation mark. It's as though this is something great that he has achieved. Why is that? To
to give a brainstorm, how did we come to that scene? Yes, yet it was deliberate. So when Ritesh and me were discussing the script and the take, the one thing that occurred that Ritesh will have to prove one important thing. A woman is drinking in the night in one hotel room with few boys, right? This woman has gone through many possibly sexual experiences. The main point to come out was that मर्द ये सोचते हैं यार ये लड़की तो इतने लोगों के साथ सो गई एक और सो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? Which is what my character says after that. एक so it's not that the virgin question to arrive at that कि एक बार और सो जाएगी तो और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे-अच्छे घरों के लड़के सब यही सोचते हैं फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक उसमें कोई क्लास एजुकेशन आता नहीं है और इस सवाल को पहुंचने के लिए आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट क्लेवरली दैट ही गॉट इट हमको ये था इसको पहुंचना था हाउ टू गेट टू दिस एंड देन गेट टू द पॉइंट कि ये आपका जो फर्स्ट सेक्सुअल आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या आपको पे किया गया पे तो नहीं किया गया आपको और आपको फोर्स भी नहीं किया गया इन दोनों पॉइंट को बात करने के लिए एंड आई थिंक I salute when he sent me the scene. मैंने उसको बोला रितेश तेरा हो गया तू पार हो गया अभी. And I think he did brilliant. I would want him to talk on this. He has just done a brilliant job on this. You already said that. I mean, कोई भी argument या जो सवाल वकील पूछते हैं, वो conclusion पे arrive करने के लिए पूछते हैं. तो are you a virgin जिससे वो line open होती है, वो इतना important नहीं है कि उसका conclusion क्या है. उसका conclusion यही है. जो बाकी सवालों के थ्रू होता है कि कंसेंट जो है और ये कोई खाली सुजिता मेरी बच्चन साहब या टोनिंदा की मान सोच नहीं है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये कानून भी है तो इसे ये ना समझे कि फिल्म में डायलॉग है ये कानून है कोई भी ऐसी महिला इंक्लूडिंग ए सेक्स वर्कर अगर वो ये सब करने के बाद शराब पीने के बाद अपने कई सारे सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बाद आपको ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही है आप रुक जाइए नहीं तो अंदर हो जाएंगे आपको जस्ट थोड़ा सा एक बता दूँ हाउ डू वी यूज टू डू एंड राइट समटाइम्स यू नो समटाइम्स हम लोग कीर्ति और तापसी को ऐसे सामने बिठा देते थे और मैं और रितेश इधर बैठते थे एंड हम लोग डिफेंस लॉयर और जो है ये लॉयर बन जाते थे एंड समटाइम्स तापसी यूज टू गेट एंग्री लिटरली सर आप ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ तो बिकॉज वी वॉन्टेड तापसी टू बी तापसी एंड कीर्ति टू बी कीर्ति हम लोगों ने वैसे ही डिसाइड किसी ने हमको कॉस्ट्यूम्स को लेके पूछा था आप बिलीव नहीं करेंगे सबसे पहले मैं इनको जाके पूछता था यार ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या पहनोगे ये नहीं कि कोई डिक्टेट फ्रॉम अस कि ये पहनना है तेरे को बिकॉज इट इज देयर फिल्म दे फील वी आर नॉट अ वुमन सो दे विल नो सर हम ऐसे मोड में यही पहनेंगे मैंने ठीक है तुम ऐसे मोड में यही पहनो सो दैट्स व्हाई दिस नेचुरल जो उनकी जो आई है बिहेवियर बिकॉज ऑफ दिस सॉरी मेरा आंखों के सामने हुआ था आई वांट टू टेल यू समथिंग वन इंस्टेंस इन कलकत्ता इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी आई यूज्ड टू नो अ यंग गर्ल शी डिड समथिंग गुड दे हैड अ पार्टी She came to me, she told me in the morning, the society people are throwing her out and they are telling that she was doing wrong things because she was having a party, maybe she was drinking with men and other women and from the society, women were also there. And there, another instance, I was in a debate in a regional television after a particular rape case where I told a woman has every right to go to a pub, but that doesn't mean people will take her for granted. And but I was stopped. No. A woman can't go to a pub at 12 o'clock in the night. So out of all this angst, out of all this suffering, I think this happened. But Komalji, thank you so much for asking this brilliant question. I mean, I wanted to answer this for many people. I was dying and I kept bringing up Parag. Thank you for asking the question. I mean, we want to answer. ऐसा हो जाए
this time, this film, for the first time, tells us, don't go by what she's wearing or with whom she's moving. Probably she's doing all this, yet she will not allow to be used. This film, for the first time, at least explains to us that it's not necessary that wo jo kapde pehni hai bolne mein bahut dialogues bahut bole jaate hain. This hits you here. जो व्यवस्था थी वो हमने देखी कि आप खुद अपने आप से मजबूर हैं क्योंकि आपको ऐसा बड़ा किया गया था. आपके फादर ने जिस तरह का कोल्ड रिएक्शन दिया था सुन के, वो बता रहा था कि इसमें आपसे ज्यादा उनकी गलती है. तो बाप अपनी बेटी को कहता है सर झुका के चलो, प्रोटेस्ट मत करो. बेटी माँ उन बेटों पर फख्र करती है जिनको गुस्सा बहुत आता है. हम सब ने ऐसी माएँ देखी हैं जिनके चार पांच बेटे होते हैं तो वो बाकायदा इसमें फख्र करती हैं कि हाँ ठीक है तो मर्द है तो गुस्सा तो आएगा ही, चुपचाप कोने में थोड़ी बैठेगा. ठीक है उसको प्रोवोक मत करो, दैट पर्सन दैट गर्ल वाज नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा अगली बेटी का थिंग लाइक दैट. माँ बाप का क्या रोल होता है इस तरह के डेविल्स को क्रिएट करने में सोसाइटी में? आप एज अ बॉय इन द फिल्म हु इज ऑन द नेगेटिव साइड बता सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो राजवीर सिंह है ही इज़ नॉट ऑन द नेगेटिव साइड. इसकी अपब्रिंगिंग कंजर्वेटिव है. तो जैसे आप सुजीता की सारी फिल्में देखेंगे सब हालात के कैरेक्टर्स हैं, तो राजवीर सिंह भी एक हालात का कैरेक्टर. जिस तरीके से आपने बोला कि हर माँ को गर्व होता है कहीं ना कहीं कि उसके बेटे को गुस्सा आता है, मैं ये कहूँगा कि हर माँ को अपने बेटे पर गर्व ज़रूर होता है जैसे कि हर पिता को अपनी बेटी पर होता है. लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई भी माँ को गर्व होगा कि उनका बेटा गुस्से से अपनी पहचान बनाए. आई डोंट थिंक दैट. जी आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं ये जो ईवल थॉट है या जैसे आपने डेविलिश थॉट बोला, ये जो हर मर्द के अंदर होता है उसको बुझाने की ज़रूरत सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं. और जैसे ये सीड है, ठीक है, वो सीड जो माँ बाप हैं वही जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे आप हम बात कर रहे हैं जैसे कि जब बच्चियां जवान होती हैं तो कैसे उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तो यही चीज़ हमें अपने बेटों को समझानी पड़ेगी एज पेरेंट्स इवन इन स्कूल्स. जैसे मैं आपको बता सकता हूँ जब मैं स्कूल गया था तो मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी. ये बहुत एक टैबू सब्जेक्ट रहा है इतने सालों तक. हालांकि आज तक यू नो वो तो ये पिंक के वजूद से आज थोड़ा मैं भी उजागृत हो रहा हूँ जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ. लेकिन जब मैं स्कूल में था तो हमें सेक्स एजुकेशन या अबाउट द ऑपोजिट सेक्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया था. तो ये ज़रूरत है आज की कि ये पहले तो माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, उनको एक नारी को आदर जिस तरीके से और समाज जिस तरीके से दिया जाता है वो सिखाएं. क्योंकि नारी का वजूद जो हमारी सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जे पर रखा जाता है और उसको आदर करना, उसका सम्मान करना हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. जी आई सुन आगे चलिए चलिए. यू नो लाइक वुमेन्स मेंशन अबाउट द एक मिनट आ जाओ बैठ जाओ. जी बताइए. लाइक यू मेंशन अबाउट कीपिंग द इंसिडेंट टुवर्ड्स द एंड, वाज इट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑन योर साइड? बिकॉज़ यू नो द कैरेक्टर्स थ्रू आउट द फिल्म आर नरेटिंग द इंसिडेंट. ओके देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट फॉर डूइंग दैट. ऑब्वियसली इट वाज नॉट जस्ट कि अच्छा एक कोई ब्रिलियंट आईडिया आ गया, नहीं ऐसा नहीं था. आई वांटेड आई स्पोक टू रितेश अबाउट दिस. आई वांटेड people in the theater hall also to have a perception on the girls. ki maine bola tha ki logo ko sochne do ye ladkiyan shayad dilemma mein rehne do, shayad ye kharab hai achhi hai, kharab hai achhi hai. let because when you are watching the film it was a very deliberate and i wanted to play with the psyche of the audience, the men who are coming or the women who are coming. so it see film mein teen cheeze hoti hai, ek craft hota hai, एक ऑनेस्टी ऑफ आपकी इंटीग्रिटी होती है और थर्ड होता है मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन तो हर को सबको आता है, हमको आता है हम है ही मैनिपुलेटर सब. सो आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे भी लोग हैं वो मेरे को आके बोलते हैं यार उन्होंने पैसे लिए हैं. मैंने बोला यार तुमको समझ में नहीं आया. मैंने बोला यार मेरे को तो हिंदुस्तान छोड़ देना पड़ेगा अगर तेरे को समझ में नहीं आया. नहीं नहीं हमको यार बताओ, क्लैरिटी मांग रहे हैं मेरे से. मैंने बोला उसका अगला सीन देखा है आपने? आप बिलीव नहीं करेंगे अगले सीन में मैंने क्लैरिफाई दिया है. मैं आज बता दूं आपको, रितेश मेरे को सोचा था ये
ये सुजीत कल मुझे बोले, मैं हर समय क्वेश्चन करता था यार सुजीता ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला नहीं यार मेरे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं लोगों को समझ में आ जाएगा क्या ये बात, क्योंकि इतनी सटल है। मेरे को तो वो सेकंड वाले सीन में क्लैरिटी करने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कीर्ति का परफॉर्मेंस इतना ही है कि समझ में आ गया कि वो उस सिचुएशन में एग्री करके यार कि पैसे लिए, हाँ लिए हैं यार, बोलो अब क्या करना है। ऐसा गुस्सा था उसका, उसने बोर्ड निकाल दिया। लेकिन अब क्या करें, ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, वो पूछते हैं कि यार पैसे लिए हैं। मैंने बोला यार यस सो सारी अबाउट योर ब्रांडिंग, यस यस एग्जैक्टली। एंड फलक अली सेज दैट कि हाँ हमने पैसे लिए हैं, लेकिन लेने के बाद भी ये जो इसने किया ये सही था या ये सही, तो बिलीव मी वो एक सटल इतना था, आपने सही पूछा, तो वी नेवर वांटेड दैट एंड दैट एनीवे, सो दिस इज द क्लेरिफिकेशन ऑन दैट। और अगले सीन में वो कह देती ना जब मेरे घर में तो सब सो रहे हैं, सर तब भी पूछा है, वो सारा ने बहुत अच्छा किया, बोल दिया, आर्गुमेंट ही खत्म हो गया, इट वाज मोर फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। बताइए So, you know, when films like Pink and Piku get acceptance and such love from the audiences, does it give more confidence to you to experiment in terms of presenting different kind of cinema over here? I mean, see, it definitely gives a courage. People ask me, why didn't you do this kind of film and that kind of film? What kind of film I would do, the Potboilers or what? I said, "Kis, look, I can only do a film. Mere bachpan mein, school mein, maine yehi sikha hai ki ek story padhne ke baad, meri class teacher mujhe sabse pehle bolti thi, what is the moral of the story? And if I don't have a moral of the story, then there's no point I am here making a story, giving a telly or telling a story. So har cheez mein mujhe ye courage deta hai, kisi bhi story ko kahun, uska ek morality hona chahiye, kahin na kahin insight profound hona chahiye. So I think wo karunga aage, it gives me courage. I mean Komal ji ne aur aap logon ne jis tarah se is film ko maine aisa unprecedented matlab pyar from the media, from across section, from the reviewers, from the critics, maine zindagi mein experience nahi kiya hai. And I have another question to Kirti and Tapsee. You know, apart from it being a Amitabh Bachchan film, people are coming out and saying that apart from Mr. Bachchan, even you girls have left an impact, and people are talking this about... This is wrong. Even in every interview, right from the time when we were promoting, I had said, when you see the film, you will only see these girls and these young boys standing behind me. You will not see anybody else. And I was right. All the four boys are going to stand up now. And this has come true. I'm so happy about it. How does it feel when what Sir said has come out to be true and audiences are talking and discussing your characters as well? Sorry for coming late, first of all. I was shooting in Dadar, so hence. And coming to your question, frankly speaking, it hasn't seeped in as yet. Because we've been promoting the film so crazily. Just 2 days back, I just had half a day break yesterday and I've joined the sets of Naam Shabana today. So it hasn't seeped in. It's almost so good that you don't want to believe that something so good can actually happen. It is so good. Like, not even a single tweet has been even average. I have gotten tweets from random or messages. I don't even have those people names saved in my phone who have messaged me thanking to do this character. It just gives us so much of courage. There was a girl who was my junior in college. She was like, I went and saw it with my family. Even though after walking out of the theater, they still believe that it's not right to have sex before marriage. It's not right for the girl to wear these kind of clothes. But today I'm still happy and I have tears of joy in my eyes that you could stand and represent us and represent my viewpoint. Like, she hasn't spoken to me after my college. So I've been getting messages like these, you know, you proved to be a role model for us. Tell me, isn't it too much to handle for my third film? That's too much to handle. And I've always been, one more thing I just wanted to do or say, which I have held it all this while. Sorry, I don't know how to do it because I belong to the Sikh community, so we don't really touch feet that much, but thank you. That's all. Well, I mean, she has said a lot of things. Personally, it's just very overwhelming, and it's
the reactions, the responses, the feedback, the love, the comments, it's just, all of it is just too good to be true. Of course, there's Mr. Bachchan in the film, and he represents Bollywood in a way that I think it's unimaginable. So to be in a film, to be in the same frame, to be in the same scene with him, and it's just not us, you know. I think as Komal mentioned, that everybody in the film, even if he or she has one shot in the film, has just done so much justice to the film. And I think the credit totally and completely goes to the writer of the film, Ritesh Shah, the director of the film, Anirudh, and Shujit Sarkar, for writing such a beautiful script, such amazing characters, and helping us give life to those characters, so much so that everybody is talking about every character in the film. And I think it's just not you are good or she is good. Everybody unanimously is also loving the film, and I think that is the biggest thing. So thank you so much. Thank you. Amit sir, you said in the beginning that, you know, it was a deliberate attempt on your part, you know, to promote the movie. It was a deliberate attempt on your part to promote the movie after it releases, so that, you know, it evokes some sort of discussion or debate within the media or wherever you guys would go. What are the plans ahead? Where do you all plan to promote the movie? Would you be visiting colleges, and is there any time frame to when you will be promoting Pink? Do we still need to promote it? No, do we? Talking about. Yes, we are doing that. The plan is now. The next visit is Kolkata, where we're having an open discussion. Yeah, we're trying to do this with a few judges also. Like, for example, yesterday, I will not name one of the top commissioner of police had called Ritesh and had told him that hum apne hawaldar ko ye nahi samjha paaye jo aapne isme samjha diya. Kya baat hai, maine usko bola. So top commissioners of police and lawyers. Ek lawyer ne phone kiya, unhone kaha ki ये जो कहा ना नो इन मोइंस नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में है. बोलते हैं हम कोर्ट में समझाते हुए पता नहीं थक जाते हैं कि कैसे समझाए सर. नो सर, इसने नो बोला. अच्छा ठीक है, बोला आगे बोलो क्या है. मैं आगे क्या बोले सर, नो बोला था इसने. तो वो बोलते हैं हम थक जाते हैं, वो आपने एक झटके में कर दिया है. सो वी विल बी प्रमोटिंग दिस, टेकिंग दिस पीपल. एक्चुअली मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला है कि बहुत सारे पैसे मेरे को दे दो ताकि मैं फ्री शो कर सकूँ लोगों के लिए, बच्चों के लिए. जस्ट वॉन्ट टू डू सम फ्री शोज. आप लोग को जितना कमाना है आपने कमा लेना, उसकी इस फिल्म में कमाने की चिंता मत करना. जितने लोग देख ले वो मेरे लिए शांति होगी, ना कि बॉक्स ऑफिस. सुजीत, आई गॉट अ कॉल यस्टरडे. टैक्स फ्री अगर हो जाएगा तो बोल देंगे. हमको बहुत बोल रहे हैं टैक्स फ्री करने के लिए. आई थिंक वी आर ऑन दैट वर्ड जॉक्स सर. आई वांट टू शेयर समथिंग. टोनी वांट्स टू से समथिंग. आई वांट टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ अस. यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ यंग गर्ल. शी टोल्ड that we want to show this film on Father's Day. Amit sir? Thank you, Komal. Ji, nahi koshish karenge lekin. Nahi, thank you sir, we are aapne. Take this advice seriously, sir. Absolutely. Amit sir, Jyoti from Zoom. आपसे सवाल है कि फिल्म तो काफी तारीफ कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन एक और फिल्म काफी चर्चा में है, ऐश्वर्या जी की ऐ दिल मुश्किल. आपने देखी कैसी ट्रेलर, कैसा लगा? गाने काफी हिट हैं. आपको कितना पसंद आया, कितना अप्रिशिएट किया? अभी तक मैंने देखा नहीं है उसको. मैंने लड़कियों के लिए गाइडलाइंस बनाई जाती रही है,
पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कों के लिए गाइडलाइंस बनी, तो आपको लगता है इनको टेक्स्ट बुक में डालना चाहिए? जितने भी रूल्स थे, जितने भी हमारे रूल्स थे फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, वो इतने खूबसूरत तरीके से उसका लेखन हुआ है. कह रहे हैं लड़कियों के लिए, लेकिन है लड़कों के लिए. यही खूबसूरती थी लिखावट में, मुझे लगा. हर एक बात जो दीपक सहगल बोलता है कचहरी में, वो बोलता है उनके पक्ष में, लेकिन उनको मालूम है कि उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा. बाहर बहुत सारे लोग आए हैं सिनेमा देखने के लिए. जल्दी करते हैं जी. हाँ आप बताइए. हमारे पीछे जो खड़े हुए हैं ना, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सभी लड़के ऐसा चाहते हैं, सभी लड़के ऐसा चाहते हैं, आपने थोड़ी देर पहले जो कहा था, तो आपसे और अमित जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि लड़कों के अंदर एक जानवर पैदा हो जाता है. क्या कारण है? देखिए, मैं आपको इसको छोटा जल्दी से जवाब दूंगा. बहुत सारे हैं. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. भगवान ने जो है ना, मतलब एक कमाल जो काम किया है, वो महिला को बहुत खूबसूरत बनाया है, राइट? इस पर तो कोई डिनाई नहीं है ना. हम जानते हैं ना, हर महिला खूबसूरत है. हम भी देखते हैं एक महिला, अगर रियली, चाहे खूबसूरत का मतलब खूबसूरती नहीं है, उनका दिल, जिस तरह से बात करते हैं, एक महिला की कितनी टेंडरनेस होती है, वो कितनी केयरिंग है. मैंने तो आज तक ऐसी महिला नहीं देखी जो केयरिंग नहीं होती है. सब मुझे लगता है केयरिंग है, लेकिन आप उस औरत को किस नज़र से देखते हैं, किस इंटेंशन से देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है. आप क्या हर औरत को क्या चाहेंगे आप उसे रहें? अगर खूबसूरत है तो हम उन पर झपट पड़ेंगे? यही तो कंट्रोल है आपकी, यही तो आपकी सम्मान है. आप कैमरा कहाँ लगा देंगे? पैर के नीचे लगा देंगे या उनके सामने लगाएंगे? ये आपकी अंदर के दिल की इंटेंशन है. मैं इस फिल्म में चाहता तो कैमरा नीचे लगा देता, नहीं लगाया ना मैंने. आपको कहीं भी लगा इस लड़की को कि नहीं? आपको लगा होगा कि ये लड़की मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड है. ये आपकी इनर कॉन्शियस होती है कि आप कहाँ उस कैमरे को लगाते हैं, राइट? उसी से आपकी इंटेंशन मालूम चलती है, आप क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं. तो इसीलिए यस, आप बिल्कुल सही है, आदमी की एक हैवानियत होती है, एक पावर होती है, लेकिन आदमी का एक कंट्रोल भी होता है. वही को हमको ध्यान देना पड़ेगा, और इस फिल्म में कहीं ना कहीं उसको बोला गया है कि देखो उस नज़र से जिसको आप कंट्रोल कर सको. और मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको, साइन फाइनली, मैंने कल भी बताया था, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि एक महिला को पता नहीं मर्द कितना हेल्प कर पाएंगे ज़िंदगी, मुझे मालूम नहीं है, तो हमारी एक कोशिश थी. लेकिन एक 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 लड़की और दूसरी लड़की पे अगर खड़े रहे उसके साथ में, इफ़ वन वुमन स्टैंड्स बाय विद द अदर वुमन, कोई नहीं रोक सकता उनको. एक मैडम है पीछे, उनको पहले बोलने दीजिए, वरना ये पूरी पिक्चर का जो देह है ये खराब हो जाएगा. आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई फिल्म को लेकर. माउथ पब्लिसिटी जबरदस्त हो रही है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. सुजीत, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर बढ़ गई हैं, और अच्छे सब्जेक्ट सामने आएंगे. अभी हाल ही में जो हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं, क्या दिमाग में है कि इस तरह की कोई पैट्रियोटिक फिल्म आप बनाएंगे? पहला सवाल. और दूसरा सवाल, ये जो हुआ है उसको लेकर आप सबका रिएक्शन. जो हुआ है वो तो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, एंड आई एम रियली फीलिंग सैड कि हम लोग ऐसे मोमेंट में, हमारी पिंक भी रिलीज हुई है, सो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, इतने डिलाइटेड हैं. लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़. कल हम सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा था, और ऐसे मैं फिल्म बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा ज़रूर मैं उस पर ध्यान दूंगा. नहीं, मैं सहमत हूँ शुजीत से. मैंने बल्कि कल इसके बारे में लिखा भी कि खुशियों के बीच जो है हमें ये खुशखबरी जो हमें मिल रही है, इसके बीच एक दुखद समाचार भी है, और इस तरह से हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए हैं. ये बड़े दुख की बात है, बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है. इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज़ भी, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी. या वी आर डन. थैंक यू.